पहुंच गए भाई। अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में और ब्लॉगिंग चल रही है और यहाँ पर हम आए हैं क्लीलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क में, यहाँ पर थोड़ी सी वीडियोस बनाएंगे। जी इस वक्त यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं डिंगूस के, इनका एक सेपरेट जगह बनी हुई है और इसके अंदर हम लोग आए हैं और यहाँ पर मेरे कलीग को कुछ नज़र आया और ये कोआला यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फोकस करवाऊँ। मस्त होके अपनी जगह पर बैठा हुआ है और एक और है, बल्कि दो और हैं, एक सो रहा है। ये देखें सामने, ये यहाँ पे इस जगह पे ये और एक ये सो रहा है। और एक ये बैठा हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस भी होते हैं। कोआला होल्डिंग सेशंस है, रेप्टाइल सेशन है, होल्डिंग सेशन है, उसमें आप मुख्तलिफ रेप्टाइल्स को आप होल्ड कर सकते हैं, कोआला को आप होल्ड कर सकते हैं। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, वो जो सेशन है वो ऑलमोस्ट 2 बजे स्टार्ट होता है, तो अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो यहीं पर होता होगा क्योंकि यहाँ पे कोआलास हमें दिख रहे हैं, बट हमने जाना है जल्दी तो होल्डिंग सेशन हम नहीं कर पाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इस कंजर्वेशन पार्क को। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पुरसकून मकाम है। आपको बर्ड्स का जो साउंड है, जो मुख्तलिफ बर्ड्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनकी आवाज़ सुनाई देगी और बहुत खूबसूरत और नेचुरल सी फील भी आ रही है, तो हम मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। सो मच फन। But they have excellent sense of smell and excellent hearing, so which is a lot better than their eyesight. So you're feeding him as of now, which leaves are these? So eucalyptus leaves. So he's eating eucalyptus. Some platypus gum at the moment. He was eating some red gum as well. Okay. But platypus gum is one of his favorites too. But they eat about 7 to 8 different species of eucalyptus leaves. So they really enjoy eating. But on an average, in a day, like how much do they eat? Like 10% of their body weight a day. So it's about 1,000 to 2,000 leaves. Oh, that's quite a lot. Yeah. यहाँ पर एक आपको छोटा सा कैंगरू दिखाते हैं।
That was pretty dramatic. Hello. Big Mama shows us his boss. So you know how like reeds like filter water? Despite it being so dirty, look how clear it is. थोड़े से दाने डाल के आगे कर शायद आगे आ जाए ये देखा जी आपने ये ब्लैक स्वान की स्पीशीज है बहुत खूबसूरत है और दो यहाँ पर थे और कुछ हमें जो है वो बैक साइड पे भी दिखे वीडियो स्टेबल नहीं है क्योंकि गिम्बल पास नहीं है तो थोड़ा शेकी वीडियो है तो उसके लिए आपसे माजरत उसने मेरा हाथ पकड़ लिया उसके नखों में मेरे चमड़ी के अंदर जा रहे हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं आ रहा हाँ मेरी जान है यहीं देखें जी काफ़ी सारे कैंगरूज यहाँ पर आ चुके हैं और छोटे छोटे से कैंगरूज हैं और इनको हमने दाना शाना डाला है ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है काफ़ी सारे कैंगरूज हैं और इनको मैं दाना डाल रहा हूँ डबी है थोड़ी सी परेशानी हो रही है कैमरे को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ रहा है वाइड लेंस नहीं है कितने यहाँ पर आ चुके हैं एक दो तीन चार पाँच ये छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह मैंने वहाँ पर थोड़ा सा इनकी फीड डाल दी थी तो ये यहाँ पे आके खा रहे हैं भाई ये थोड़ा हाँ ब्रो ये वॉम्बैट्स है आई एम राइट 20 नंबर वॉम्बैट्स यही है डाल इसको डाल 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 जी तो इस वक्त हम बस वापसी की तैयारी है तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा शेयर करें और लाइक भी करें वीडियोस को
और जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ की वीडियोस आपके लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि बना के और उसको जो है वो मैं पोस्ट करूँ। बहुत सारे कैंगरूज हैं, आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं बेफिक्री में, जैसे आप अक्सर उनको देखते हैं। और यहाँ पर हम जो है एमूस के पास कहीं घूम रहे हैं और हमें एमूस जो है वो दूर नज़र आ रहे हैं, करीब नहीं है। और वहाँ पर है एक अंदर, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कोशिश करता हूँ मैं कि थोड़ा सा जूम करूँ। यहाँ पर अंदर जो है वो शायद आपको नज़र आ रहा हो, सो क्लीलैंड कंजर्वेशनल पार्क एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। कभी आप आएँ तो यहाँ विज़िट ज़रूर करें, अगर जब आप भी आप एडिलेड में कभी आएंगे तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी जगह है। तो जनाब अब हम जा रहे हैं वापस और ये आप देखें क्लीलैंड वाइल्ड लाइफ पार्क एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, एक विज़िट ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े की जगह है नेचर्स लवर्स के लिए और एनिमल बर्ड लवर्स के लिए। बैक साइड पे मेरे जो है वो सोवेनियर शॉप है, वहाँ पर कुछ देखेंगे, अगर कुछ समझ में आ गया तो सोवेनियर्स लेंगे और उसके बाद गाड़ी और होटल। तो अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जगह के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।